মানকাছাৰ সমষ্টিৰ হাতিঙিমাৰি প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় বিজেপিৰ এক বিশাল সাংগঠনিক সভা। দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছাৰ জিলা সভাপতি আলতাফ হুছেইনৰ নেতৃত্বত হোৱা সভাখনত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা বিজয় গুপ্তা, অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সহপ্ৰভাৰী পৱন শৰ্মা, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মহিলা মৰ্চাৰ জিলা সভানেত্ৰী শ্বেখ হাছিনা বেগম। এক হাতত কোৰাণ আৰু আন হাতত কম্পিউটাৰ, বিজেপিৰ আদৰ্শ। এনেধৰণে ফুটাৰৰ মন জয় কৰিবলৈ সভাখনত ভাষণ প্ৰদান কৰে অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা বিজয় গুপ্তাই। আমি প্ৰতিটা ধৰ্ম আমি আদৰ কৰোঁ, আমি নমন কৰোঁ, আৰু আমি বিচাৰোঁ কি প্ৰতিজন ব্যক্তিক সমাজত, চাই হিন্দুৱে হওক, মুছলমানে হওক, শিখ হওক, ইছাই হওক, সবে মিলি জুলি আমি থাকিব লাগিব। আমাৰ মাজত সম্প্ৰীতি, শান্তি, প্ৰেম, এই হল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নিষ্ঠা। আমি প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তাক আগতে কৈ দিওঁ। সভাৰ অন্তত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত চাকৰি, মাদ্ৰাছা আৰু বিদেশী বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত এনেদৰে কয় অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সহপ্ৰভাৰী পৱন শৰ্মাই। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি পাঁচ বৰ্ষ মে জিছ প্ৰকাৰ চৰকাৰে কাম কিয়ে হে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কা কাৰ্যকৰ্তা কৰোনা সে লেকৰ আৰু বিকাশ কি যোজনা মে জিছ প্ৰকাৰ সে আসম কি হৰ 17 মেডিকেল কলেজ, उसके साथ में लॉ कॉलेज और जगह जगह पर स्कूल और कॉलेज और महिलाओं के लिए अनुदय की योजना और साथ में जो बेटियां हैं जो 12वीं पास करके उनको स्कूटी देने का काम और नौजवानों को एक योजना के तहत में उनको अपने पांवों पर खड़ा हो जाएं और सड़कों का 21,500 किलोमीटर से सड़कों का जो निर्माण सरकार ने किया उसके कारण से चारों तरफ से असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण बना हुआ है और 100 प्लस की जो हम बात कह रहे हैं ऐसा लगता है कि जनता के समर्थन से 126 के नज़दीक जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी दोबारा से असम के अंदर सरकार बनाए और उसके साथ में जो विकास की योजनाएं चल रही हैं उन विकास की योजनाओं को उसी प्रकार से असम के लिए जारी रखेंगे। ये जो भरोसा है ये जनता का आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन्हीं चीज़ों को लेकर इस प्रकार की सभाओं का आयोजन, बैठकों का आयोजन कर रहा है। मुझे लगता है कि आप अगर थोड़ा दृष्टि दौड़ाएंगे चारों तरफ से सड़कों का जो इस समय पर काम चल रहा है तो उसमें नौकरी ही मिलती है, उसमें कोई बिना काम के व्यक्ति थोड़ी कोई काम कर लेता है। इसके कारण से ये जितने भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं से लगने वाला जो नौजवान है या माता बहनें हैं उनको सबको रोजगार का जो साधन है ये सरकार के माध्यम से, क्योंकि विकास अगर होगा तो काम भी मिलेगा और जब विकास हो रहा है तो काम की गति बढ़ रही है और इस कारण से उन लोगों को काम की दृष्टि से काम मिल रहा है। मुझे लगता है कि आप उसको अगर जो गहराई से देखेंगे तो उस गहराई में एजुकेशन छुपा हुआ है। इसके जो पक्ष हैं उसमें सबको शिक्षा मिल जाए इस प्रकार की योजनाओं का हिस्सा है। कोई बंद करने का पक्ष नहीं है, नए खोलने का पक्ष है ताकि नए स्कूल और कॉलेज खुल जाएं और इसी का कारण मैंने बताया कि 15 से 17 मेडिकल कॉलेज भी खोलने का सरकार की योजना का चल रहा है। दक्षिण हालमार मानकासर शाहजहान आलिर रिपोर्ट, नेक्स्ट स्टार न्यूज़, गुवाहाटी।